के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने जब हवन पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि हवन में प्रयोग होने वाली आम की लकड़ी जब जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने के तरीके का पता चला। गुड़ को जलाने पर भी यही गैस उत्पन्न होती है। टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होता है अथवा नहीं? उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर 0.5 किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं बाहर निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर लगभग 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यह रिपोर्ट एथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र रिसर्च जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में भी दिसंबर 2007 में छप चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। ऐसे ही काम की जानकारियां आप तक पहुंचती रहे इसके लिए आपको देवभूमि न्यूज़।